दोस्तों, ये मुझे कल ही रिसीव हुआ है। आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये न्यू ब्रांड न्यू स्टील वर्क की तरफ से इग्नाइट हेलमेट जो कि मैंने परचेज किया है। इससे पहले मैंने एक्सोर का भी परचेज किया था हेलमेट, बट मुझे साइज की इशू आ रही थी, तो फिर मैंने उसको रिटर्न किया। एपेक्स सीरीज का था एक्सोर हेलमेट सी डबल था। मैंने उसको दो बार रिप्लेस किया, बट साइज का इतना इशू आ रहा था मुझे कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं मेरे सर में आ रहा है। वो इतना ऊपर से बड़ा भी हेलमेट लग रहा था, तो उसका साइज थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा, बट ओके था भाई, एक्सोर हेलमेट तो है ही, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन फिर भी उसके बाद अभी कुछ एक टाइम पहले एक हेलमेट आया ब्रांड मार्केट में इग्नाइट स्टील वर्क की तरफ से, जो कि बहुत फेमस तो नहीं है पर मुझे अच्छा लगा। इसकी बेल्ट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी, स्ट्रॉन्ग लगा था देखने में, पहले से ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने एक बार देखा, उससे ग्राफिक्स काफ़ी यूनिक हैं जो कि नहीं मिलते इतने आसानी से, और ओवरऑल प्राइस लगभग सेम ही है दोनों का। तो मैंने इसको ऑर्डर किया, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप अगर फ्यूचर में ख़रीदना चाहो तो उसे, और तो आपको दिखाता हूँ। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। ऑलरेडी बॉक्स ओपन है, बट आप देख सकते हैं कैसे है वो, कैसा दिखता है, बहुत अच्छा है हेलमेट। ये है इग्नाइट का हेलमेट का बॉक्स, जो अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको ऐसे ही बॉक्स रिसीव होगा। उसके अंदर एक और बॉक्स आपको रिसीव होगा, ये ब्लैक कलर का, जो कि ये है, देखो ये ऐसे कुछ आता है। ये आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ, एक्सोर की तरह ही एकदम सिमिलर। तो इसको ओपन करते हैं, इसके साथ ओपन करते हैं। देखिए अकेला हूँ भाई, कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, तो अकेला ही करना पड़ता है कई बार आपको, हिंदी में कई चीज़ें आपको अकेले करनी पड़ती हैं, तो उनसे घबराने नहीं है, अकेले हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। तो बॉक्स करते हैं साइड में, तो ये देखिएगा इसके अंदर की पैडिंग, ये रिफ्लेक्टर्स है इसके ऊपर के सारे के सारे, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ये देखिए, ये इसका पिन लॉक सिस्टम है, जो कि वर्ल्ड सेफेस्ट माना जाता है हेलमेट के मामले में। अगर ये है तो हेलमेट आपका बहुत ज़्यादा सेफ है, और ये होना ही चाहिए, ये सेफ्टी, आखिर आपका सवारी सेफ्टी का ख्याल है। ये देखिए इग्नाइट का ब्रांड, एंड यहाँ पे इसमें तीन बैंड्स मिलते हैं आपको। फर्स्ट ये ऊपर की साइड का बैंड है, ये देखिए सेकेंड बैंड भी यहाँ पे है, ये देखिए देख सकते हैं, और थर्ड बैंड इसका यहाँ पे ऊपर की साइड है एकदम टॉप पे, ये देखिए। एंड ये इसका पिन लॉक सिस्टम है, यहाँ पे लिखा हुआ है पिन लॉक 30। इसके अंदर एंटी फॉग लेयर गैस, एंटी फॉग लेयर ऑलरेडी है, जो वाइजर लगा हुआ है, देखिए इसके अंदर की साइड, और इसके अंदर फॉग सन वाइजर भी आता है, जो चीज़ के अंदर बेनिफिशियल है। ये देखिए आप धूप में अगर कार चलाएंगे तो आपको ये बेनिफिट देगा, ठीक है। ये इसका समय है, ये ऐसे ही ओपन होता है, एंड ये इसके अंदर की पैडिंग, सारी पैडिंग रिमूवेबल है। इसके अंदर चिन कर्टन भी है, अगर आप मोटे बैलिंग मोटे ब्लॉगिंग करते हैं तो इसमें आपको हेल्प देगा, और मैंने इसको यूज़ भी किया है, काफ़ी हद तक बिल्कुल ही नॉइज़ नहीं, नॉइज़ तो एकदम रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है नॉइज़, अगर आप इसको यूज़ करके पहन के यूज़ करते हो, काफ़ी कंफर्टेबल भी है, मेरे को तो काफ़ी कंफर्टेबल लगा हेलमेट। इससे पहले मैंने एक्सोर का मंगाया था, कंफर्टेबल वो भी था, मैंने उसको राइड नहीं किया पहन के, मैंने उसको मंगाया और उसको जस्ट रिप्लेस करने वापस भेज दिया, रिफंड करा दिया। एंड इसके बैक में देखिए डॉट सर्टिफाइड, ये 1500+50 लगभग 1550 ग्राम का हेलमेट है। इसका ISMR सर्टिफिकेट एंड इसका डॉट सर्टिफिकेशन इसके अंदर भी है। लुक एट दिस, साइड का जो ग्राफिक पैनल है, ये एक्सोर का इसमें रिमूवेबल नहीं है, बट ये नॉन रिमूवेबल काफ़ी बहुत बेहतर लगता है मुझे, तो क्या करना रिमूव करके यार, इतनी ज़िंदगी में तामझाम वैसे ही रहता है, इतना सब कुछ लगा लूँ के कितना आप कर लोगे, इतना सब देख दाख के वैसे ही मुझे ख्याल था। यहाँ से देखिएगा, ये पीछे से जो उसका नशा एकदम आगे से ख़त्म, पीछे से एकदम नीचे से लेटा हुआ है ना, लगता है कहाँ है ना, क्या ही लगता है यार देखने में। ये देखिए इसका एना जो इसका पैटर्न है, प्रिंट है हेलमेट के ऊपर, और ये साइड से देखना क्या ही सेक्सी, ये जो रेड कलर का लगा ना, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को एकदम देखने में,
और मैंने देखा ये बहुत इजी रिमूव हो जाता है। मैंने इसको रिमूव करके देखा, मुझे लगा थोड़ा डिफिकल्टी होगी, पर इसको रिमूव किया तो ये बिल्कुल इजी ही रिमूव हो गया एकदम, और बड़ी आसानी से रिमूव किया। कुछ सेकंडों में निकल जाता है, कुछ सेकंडों में लग जाता है। ये देखिएगा साइड में इसके ग्राफिक्स है एग्नाइटिक, यहाँ पे से एग्नाइटिक वो नेम कंपनी का नेम, और ये देखिए यहाँ पे इसका एग्नाइटिक का लोगो, जैसे कि यहाँ पे भी इसके अंदर एक लोगो है। तो ऊपर यही गाया था, और यही से नोज कटर, नोज सेफ्टी भी है, नोज कटर जो भी बोलते हैं इसको, ये भी है। इसमें पैडिंग दी है आपको, फुल मुंह को एकदम कवर कर लेगी, एकदम कस लेगी मुंह को आप चलाओगे इसको तो, और कोई कमी नहीं लगी मुझे इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मुझे तो सबसे बढ़िया लगी, देखो इसके अंदर जो वो बना रखा है, इसका पैटर्न जो है देख पा रहे हो, देख पा रहे हो आप, कहे दिखाऊँ आपको मैं, जिसके अंदर का जो वो बना रखा है ये देखिए, ये जिसको लोगो है ना वो उसके जो पैडिंग से उसके अंदर भी उसके लोगो को प्रिंट कर दिया है ना एकदम से, ये देखिए ऐसे ही क्या ही प्रीमियम इस चीज़ को दिखाता है, लोग ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कार्टन जो इसके अंदर स्पेसिफिकली बने हुए स्पेसिफिकली बने हैं मुझे पता है, लेकिन काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में कि हर जगह काम किया गया है, फिनिशिंग इसकी बहुत बेहतर है कहीं ना कहीं, और कहीं से आपको ये ऑफेंड नहीं करेगा हेलमेट, आपको वर्थलेस भूल गया पैसा वसूल रहा है कहने मतलब मेरा। तो ये हेलमेट